कोरोना जिस तरीके से अभी भी हमारे लिए खतरे की घंटी बनी हुई है और सरकार भी समय समय पर मास्क को लेकर चेकिंग अभियान चला रही है, परंतु अभी भी कुछ लोग हैं जो इसकी भयावहता से अनभिज्ञ हैं। आप भी देखिए क्या कुछ कहना है लोगों का। आप तुम क्यों नहीं पहने हो भाई? छूट गया सर, अभी माल लेकर जा रहे हैं तो वहाँ से डर नहीं है। इतना जो फैल रहा है, महामारी फैल रही है, क्या तुम गंभीर नहीं उसके मालूम है तुमको? छूट गया सर। साला तुम 10 दिन सो नहीं पाएगा। बताओ क्यों नहीं पहनते हो तुम? क्यों नहीं पहनते बताओ? मास्क छूट गया सर। कैसे छूट जाता है? मान ला देना रख ले। खाना कैसे नहीं छूटता तुम्हारा? खाना तो खा के आपके दुकान खोले हैं। 50 का फाइन मारो। अभी देख करके है नहीं है सर। मास्क लगाओ पहले। यहाँ पे अभी मास्क चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है। अच्छा। हम लोग को आदेश है कि जो लोग भी 50 रुपए का फाइन कटाएंगे मास्क नहीं पहने हुए हैं जो लोग, और अगर फाइन नहीं देते हैं तो फिर उनको जो है उठ बैठ करवा करके लोग छोड़ देते हैं। और मास्क के साथ हम लोग ये सामाजिक दूरी से कह रहे हैं कि आप लोग मास्क पहन के घर से बाहर निकलिए। कोरोना का केस बढ़ते जा रहा है, अगर मास्क पहन के निकलिएगा आप लोग तो ये आप लोग के लिए बचाव करेगा और साथ ही और पब्लिक को भी बचाव होगा इससे। आप इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश हमारा यही है कि पब्लिक को हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि 50 रुपये का जो आप फाइन दे रहे हो वो फाइन नहीं, वो समझिए कि आपको एक तरह से जागरूक किया जा रहा है कि आइंदा से आपको फाइन नहीं हो, इसके लिए आपको दंड स्वरूप 50 का फाइन लगेगा। तो आप आइंदा से मास्क पहन के घर से निकले, और आप मास्क पहन के नहीं निकलते हैं तो फिर आपको फाइन देना ही पड़ेगा 50 रुपये। राहुल श्रीवास्तव, SDF News, पटना।